करता हूं। लेकिन अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आया और जिस नियत से आया, उस पर गंभीर सवाल है। अध्यक्ष जी, हम इसी सदन के अंदर 5 साल से आप गवाह हैं इस बात की, और पूरा सदन गवाह है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उनके माध्यम से, उनकी पार्टी के सांसद के तौर पे मैंने सदन में कई बार कई मौकों पर, तो मुलायम सिंह जी ने, अरे पार्टी अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, पार्टी अध्यक्ष जी की एक ही बात है। अच्छा, पार्टी प्रेसिडेंट की बात नहीं करेंगे? अच्छा, पार्टी प्रेसिडेंट की बात करना अध्यक्ष जी क्या गलत है क्या? नहीं, आपने नहीं अध्यक्ष जी, और एक ही बात है नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी की। अध्यक्ष जी, मैंने कई बार इसी सदन में कहा कि सबसे पहले जाति जनगणना कर लो। 5000 खर्च भारत सरकार कर चुकी है, जहां तक 5000 करोड़, जहां तक मुझे सूचना है, रिपोर्ट भी तैयार है, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक करने से डर रहे हैं इस बात को लेकर, क्योंकि उस जाति जनगणना में जो पिछड़ों की तादाद है वो तकरीबन 65% है। हम चाहते हैं कि उसको पूरा सार्वजनिक कर दीजिए, और जिसकी भी जो भी आबादी है, चाहे वो अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, अनुसूचित हों, उनकी आबादी के अनुपात में उन सभी को 100% आरक्षण कर दीजिए। हम समाजवादी लोग इस पक्ष में, मैं नहीं समझता इसमें आपको किसी को आपत्ति होगी। और अध्यक्ष जी, जहाँ तक आज के इस बिल का सवाल है, मैं आज इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ कि जो लोगों ने हमेशा रिजर्वेशन के नाम पर लोगों से कहा कि प्रतिभा नहीं है इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत है, क्षमताएं नहीं है, बौद्धिक स्तर नहीं इसलिए रिजर्वेशन लोग मांग रहे हैं, आज कम से कम वो लोग भी रिजर्वेशन की वकालत करने लगे। इसका मतलब है कि जो समाजवादी लोग मांगते रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर नेताजी तक और माननीय अखिलेश जी तक, वो हमारी बात एकदम डिट्टो सही थी, जिसको आज जाके आपने स्वीकार लिया। सभापति जी, जहां हम 100% आरक्षण की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ही एक ही बात है सभा के सदन को वो चला रही हैं, बार बार टोकने की जरूरत नहीं, 100% लाइए। अध्यक्ष जी, जो लाया गया है, ये जो अगड़े लोग 10% जिनके लिए लाया गया है, वो भी जानते हैं कि 5 साल की प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बाद आखिरी दिन आखिरी विधेयक के तौर पे जो लाया गया है, ये किस नियत से लाया गया है, किस नीति से लाया गया है, वो आवाम भी जानता है, जिसके लिए आप लाने का प्रयास किए हो। अध्यक्ष जी, वही मेरा एक आपसे माध्यम से सरकार से कई सवाल हैं। देश के अंदर समानता होनी चाहिए, अवसरों की समानता होनी चाहिए। कई वक्ताओं ने कहा कि जो लोग पिछड़े हैं, इवन हमारे वित्त मंत्री जी भी कह के गए कि जब दौड़ छोटी बड़ी या बड़े लोगों के बीच होती है तो विशेष अवसर की जरूरत पड़ती है, यही बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कही थी। और इसीलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, पिछड़ों की जो तादाद, सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बराबरी कर लो SC ST OBC की, उसके बाद केंद्रीय सचिवालय में कर लो, उसके बाद जो मुख्यमंत्री आपने बनाए उसमें कर लो, जो गवर्नर आपने बनाए उसमें कर लो, जो PSUs में बैठा है उसमें कर लो, जो न्यायपालिका में जो असमानता है उसमें समानता कर लो, जो विश्वविद्यालय में 22 चांसलर, अध्यक्ष जी SC ST OBC का कोई नहीं है, जरा उसमें समानता कर लो, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर में जो असमानता है जरा उसमें भी आप कर लो। ये जो तमाम तरह की असमानताएं हैं अध्यक्ष जी समाज की, उसके लेकर हमने लगातार सदन में उठाया। आज ये जो संविधान संशोधन बिल लाए गए, पूछिए माननीय जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं, उनसे मैंने कई बार कहा कि जिस तरीके से UGC ने रोस्टर का प्रणाली बदली है, उससे आने वाले 200 सालों में भी देश के पिछड़े दलित और ST लोगों को कभी भी विश्वविद्यालय में सहयोग, कभी भी विश्वविद्यालय में समानता और भागीदारी नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं इन तमाम चीज़ों को आप विचार कर लो, और विचार करने के बाद आप लाइए और समानता लाइए। बहुत सारे साथियों ने कहा, मैं पूछना चाहता हूं सवाल, 2 करोड़ रोजगार हर साल बात हुई थी, 10 करोड़ रोजगार आपके कहां गए? जहां तक मेरे पास सूचना है 24 लाख केंद्र सरकार में 24 लाख अध्यक्ष जी पोस्ट वैकेंट हैं। हम चाहते हैं कि जो पोस्ट वैकेंट हैं, उस पोस्टों में जो बैकलॉग की भर्ती बनती है, सबसे पहले वो बैकलॉग की भर्ती कर दो। इसलिए आज इस मौके पर अध्यक्ष जी कहना चाहता हूँ, बहुत बातें की गई OBC कमीशन की, इस मंच की सदन के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, OBC कमीशन का विधेयक हम लोगों ने पारित जरूर किया,
लेकिन अध्यक्ष जी इतने दिनों में भी ओबीसी कमीशन आज तक गठित नहीं हो पाया है। ये है नियत आपकी, ओबीसी कमीशन आपने गठित नहीं किया। पासवान जी कह रहे थे ये श्रेय बहुत देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से सरकार में अध्यक्ष जी एक मिनट लूंगा, अध्यक्ष जी एक मिनट लूंगा, पांडे जी एक मिनट दे दो, अध्यक्ष जी इस सरकार के अंदर देश का दबे कुचले पिछड़े शोषित पीड़ित SC ST माइनॉरिटी के साथ जितना अन्याय हो सकता है, जितना अत्याचार हो सकता है, जितना भेदभाव हो सकता है, जितना शोषण हो सकता है, वो मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अध्यक्ष जी एक बार फिर मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन 100% आरक्षण यहाँ से अनुमति दे।